हेलो गाइस, तो कहानी की शुरुआत में हम अपने फीमेल लीड मीको को देखते हैं जो कि स्कूल के छत पे होती है और अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ हमारा मेन लीड आता है जिसका नाम हाइवा है। वो उसी स्कूल का टीचर है पर स्टूडेंट उसे कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। इवन वो खुद टीचर जैसा बिहेव नहीं करता है और इस वजह से वो प्रिंसिपल से काफ़ी बार वार्निंग भी पा चुका है। तो यहाँ वो मीको से पूछता है तुम्हारा जान देने का रीज़न क्या है। यह वो बताती है कि मैं हमेशा अकेली रहती हूँ, घर में भी और स्कूल में भी। मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, कोई मुझसे बात भी नहीं करता। लेकिन एक न्यू स्टूडेंट काजामा मुझसे बात करता था, मुझे देख के स्माइल करता था, तो मुझे लगा कि मेरे पास चांस है, तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया, बट उसने रिजेक्ट कर दिया। अब जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है। हाइवा कहता है जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी 5 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। ये सुनकर मीको तो काफ़ी शॉक्ड होती है। हाइवा कहता है अगर ये रिजेक्शन तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम किसी और को लाइक करने का ट्राई कर सकती हो। मीको कहती है प्यार में पड़ना इतना इजी नहीं है। या वो कहता है तो फिर अगर सामने वाले से तुम्हें प्यार नहीं है फिर भी तुम सोचो कि तुम उसे प्यार करती हो और फिर देखना तुम्हें अपनी लाइफ कम्फर्टेबल लगेगी। फिर वो कहता है तुम अपने आप को इतना इम्परफेक्ट क्यों समझती हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम एक ओबीडिएंट स्टूडेंट हो, तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स आते हैं, तुम्हारी चेस्ट ब्रेस्ट हिप का साइज सब कुछ परफेक्ट है, फिर तुम इम्परफेक्ट कैसे समझती हो अपने आप को। मीको तो उसे मारते हुए कहती है कौन टीचर अपने स्टूडेंट से ऐसी बातें करता है। इसके बाद हाइवा कहता है मुझे पता है कोई स्टूडेंट मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता बट तुम करती हो, तुम एज ए टीचर मुझे रिस्पेक्ट करती हो बट मैं स्टार्टिंग से तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर वो हैरान होकर गिरने वाली होती है कि हाइवा उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आप मरने से पहले एक बार मुझे डेट करना चाहोगी। अब सीन कट होता है, हम मीको को रेलवे ओवर ब्रिज पे देखते हैं जहाँ वो वहाँ से कूदने का सोच रही थी। तभी वहाँ फिर से हाइवा आकर कहता है मुझे कुछ पैसे उधार दोगी, मेरा वॉलेट खो गया है तुम्हें बचाने के चक्कर में। ये सुनकर उसे बड़ा बुरा फील होता है। फिर हाइवा कहता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर अपनी जान देना सही नहीं है क्योंकि इससे हजारों लोग इफेक्ट होंगे, तुम्हारी वजह से वो लेट होंगे। ये सुनकर वो कहती है हाँ तब तो ये बिल्कुल गलत है। फिर हाइवा उसे ले जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के चलता है। मीको तो सोचती है ये किसी एंगल से टीचर नहीं लगता। उसके बाद वो उसे एक शो पे ले जाता है जहाँ का ओनर उसका फ्रेंड था। वो मीको से कहता है इसके जैसे फ्लर्टी इंसान से बच के रहना। जहाँ वो सोचती है कि मुझे लगा ही था कि उसे फ्लर्टिंग के अलावा कुछ और नहीं आता। तभी उसका फ्रेंड कहता है ये दिल का काफ़ी अच्छा है। फिर वो फूड ऑर्डर करते हैं जिसके बाद हाइवा पूछता है तुम फिर से अपसेट क्यों हो। यहाँ वो बताती है पूरी क्लास को पता चल गया है कि मैंने उसे प्रपोज किया था तो मेरी वजह से अभी उसे भी टीज करेंगे। हाइवा उसे अपना हैंकी देता है पर कहता है रोना मत, तुम्हें दूसरों की फीलिंग की परवाह है, मुझे तुम्हारा ये साइड पसंद आया। उसका दोस्त उसे बुलाता है तो वो चला जाता है। जहाँ वो डेटिंग वाली बात याद करके सोचती है आई थिंक ये मजाक कर रहा है, वैसे भी हम स्टूडेंट एंड टीचर हैं तो क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, अगर कोई हमें साथ में देखेगा तो ये ट्रबल में पड़ जाएगा। तभी वो देखती है उसके बैग में तो उसका वॉलेट है। वो पूछती है ये क्या है। हाइवा कहता है एक कैपेबल एडल्ट हमेशा 2 वॉलेट रखता है और उसे खाने पर फोकस करने को कहता है। मीको तो सोचती है मुझे समझ आया, ये मुझे अपने आप को हर्ट करने से दूर रखना चाहता है। वो काफ़ी खुश होकर उसे थैंक यू कहती है। हाइवा उसके वाला एक बाइट खा लेता है और हाइवा को अपने से इतना क्लोज होता देख उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो एक पुल के ऊपर से नीचे कूद जाती है जिसके बाद हाइवा भी पीछे कूद जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपनी जान देने के लिए नहीं बल्कि एक बच्चे का खिलौना उठाने के लिए पानी में कूद गई थी। हाइवा कहता है दूसरों की फिक्र करना अच्छी बात है पर इस तरह से अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालनी चाहिए। मीको कहती है सॉरी मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाइवा कहता है मुझे लगा तुम फिर से अपनी जान देने की कोशिश करोगी इसलिए मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था, पर अभी हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा, मेरा बैग पानी में बह गया है, उसमें मेरा अटेंडेंस बुक था। मीको कहती है मेरा भी जैकेट बह गया है। वो उसे देखता है और फिर कहता है डोंट वरी मैंने कुछ नहीं देखा। मीको तो कहती है अब तो पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। फिर हाइवा उसे अपना जैकेट पहना देता है। अब क्योंकि मीको की वजह से हाइवा भी भीग गया था तो वो उसे अपना घर दे जाती है और कहती है मेरे घर में एक भी हेयर मत गिराना, लेकिन वह तो उसे टीज करने में लगा रहता है कि हम लोग घर में अकेले रहेंगे कुछ भी हो सकता है। मीको तो उसे पूछती है क्या इससे पहले भी तुम मुझे फॉलो करते थे। जहाँ वो कहता है नहीं। फिर वो उसे घर में ले आती है और कहती है मेरे पास अभी देने के लिए स्नैक्स नहीं है तो मैं ये एप्पल काट के देती हूँ, पर वो तो ऐसे ही खाने लगता है और पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहती हो। वो बताती है नहीं मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ पर वो काफ़ी बिजी रहता है। हाइवा कहता है ये तो अच्छी बात है। फिर वो जाकर अपना हेयर ड्राई करती है और सोचती है मुझे जिससे प्यार नहीं करना चाहिए वो अभी मेरे साथ मेरे घर में है।
फिर वो बाहर निकल के देखती है तो हाइवा वहाँ नहीं था। इसके बाद वो उसे अपने रूम में पाती है जहाँ वो कुछ ढूंढ रहा था। वो पूछती है तुम क्या ढूंढ रहे हो, वो बताता है कुछ नहीं। लेकिन जब वो उसे चेक करती है तो उसके पास अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पाती है। मुझे पता है तुम्हें ये अजीब लग रहा होगा बट मैं सिर्फ तुम्हारा सामान चेक कर रहा था। जब वो अपना बॉक्स देखती है तो उसमें एक नाइफ था। वो कहती है तुम्हें पता होना चाहिए इससे हाथ कटने के सक्सेस रेट काफ़ी कम है, तो अगर मैं मरना भी चाहूँगी तो ये मेथड तो अप्लाई नहीं करूँगी। हाइवा कहता है तुम मुझे वरी ना करने को बोल रही हो, फिर ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसी है। वो कहती है कुछ नहीं, खाना बनाते टाइम लग गया था। हाइवा कहता है ऐसे मैं रिलैक्स कैसे रहूँगा, क्योंकि हम जिन्हें लाइक करते हैं अगर वो दर्द में रहे तो हमें भी दर्द होता है ना। नेक्स्ट हाइवा को अपना बैग मिल जाता है और हम दोनों को छत पर पेपर सुखाते हुए देखते हैं। पूछती है क्या तुमने भी कभी जान देने के बारे में सोचा है। वो कुछ नहीं कहता तो वो उसे कहती है अगर तुम शेयर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। फिर कहती है मैं अपनी लाइफ के बारे में केयर नहीं करती हूँ, अगर मैं इस दुनिया में भी नहीं रहूँगी तो ये दुनिया वैसे ही चलेगी जैसी चल रही है। जब तुम कल मेरे लिए पानी में कूदे थे मुझे रियली फील हुआ था और अब मुझे लगता है कि मैं जीना चाहती हूँ। तब हाइवा उसे हग करके कहता है ये तो नेचुरल विश है। लेकिन तभी मीको सुनती है कि कज़ामा को कोई बुला रहा है और वो सोचती है कि अच्छा कज़ामा को देकर मैं हर्ट ना हूँ इसलिए इसने मुझे हग किया। वो कहती है अब मैं ठीक हूँ, मैं उसे भूल जाऊँगी। हाइवा पूछता है क्या आप तो मुझे लाइक करते हो, तो वो उससे दूर हो जाती है जहाँ वो कहता है आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे फेस रिएक्शन से समझ सकता हूँ। वो कहती है कूल दिखना बंद करो, तुम्हारे सारे पेपर हवा में बिखर रहे हैं। वहाँ नीचे प्रिंसिपल देखते हैं अटेंडेंस पेपर तो हवा में उड़ रहे हैं और वो राइटिंग देखकर पहचान जाते हैं कि ये राइटिंग तो हाइवा की है और नीचे से ही उसे सुनाने लगते हैं। अगले सीन में स्कूल के पीटी क्लास में हाइवा भी मीको के साथ साथ दौड़ता है ताकि उसे अकेला फील ना हो। लेकिन दौड़ने के बाद वो कहता है अब तो मेरा बैक पेन हो रहा है। तभी सामने से कुछ लड़कियाँ डिस्कस करती हैं कि घर जाते टाइम कोई स्टोकर उन्हें फॉलो करता है इसलिए वे सब साथ में जाने की बात करती हैं। हाइवा मीको से कहता है तुम्हें भी ग्रुपिंग में घर जाना चाहिए। वो कहती है पर मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। हाइवा कहता है अगर मैं तुम्हें कंपनी दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और उसके कंधे पे हाथ रखता है। मीको कहती है ऐसा मत करो कोई देख लेगा। हाइवा कहता है डोंट वरी सारे स्टूडेंट चले गए हैं। तभी पीछे से एक स्टूडेंट जिसका नाम ताकामी होता है वो कहता है तुम अब स्टूडेंट्स पर भी चांस मार रहे हो। जिस पर मीको कहती है नहीं मुझे वीक फील हो रहा था तो ये बस मेरी हेल्प कर रहा था। हाइवा कहता है वैसे तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, तुम तो क्लास के पॉपुलर स्टूडेंट हो ना। वो कहता है पॉपुलर तो बस मैं नाम का हूँ, कोई मुझसे बात भी नहीं करता और सब पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मीको कहती है तुम हमेशा अकेले रहते हो। ताकामी कहता है मुझे अकेला मत बोलो, ये सुनने में मुझे अच्छा नहीं लगता। मीको कहती है मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है। हाइवा कहता है इसका मतलब तुम दोनों लोनली पेयर हो, तुम तो हमें और डिस्करेज कर रहे हो और मुझे पता है फ्यूचर में मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। मीको कहती है लाइफ को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, और सोचती है अच्छा है कोई तो मेरे जैसा है। हाइवा समझाता है कि एटलीस्ट फ्रेंडशिप करने का ट्राई तो करो, और इसलिए ताकामी भी मान जाता है। हाइवा फिर कहता है अच्छा होगा तुम लोग सिर्फ फ्रेंड बने रहो। इसके बाद मीको को घर जाते हुए दिखाया जाता है तो उसे फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और वो समझ आती है कि हाइवा ही हो सकता है। अगले सीन में हाइवा उसे अपने पास बुलाकर कहता है कल एक स्टोकर को अरेस्ट किया गया है इसलिए सेल्फ डिफेंस के लिए तुम्हें कुछ मेथड सिखाने वाला हूँ। मीको कहती है तुम तो खुद ही स्टोकर हो, मुझे हमेशा फॉलो करते हो। हाइवा कहता है अगर मैं एक खराब आदमी होता तो कब का तुम्हारा एडवांटेज ले सकता था, पर वैसे खराब आदमी एग्जिस्ट करते हैं इसलिए मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहता हूँ। और तभी ताकामी उन्हें ऐसे देख लेता है एंड पूछता है ये क्या हो रहा है। तो मीको कहती है ये मुझे सेल्फ डिफेंस सिखा रहा है। तभी वहाँ कुछ और लड़कियाँ आकर ताकामी का फोटो खींच कर चली जाती है। ताकामी कहता है इन सबसे मैं परेशान हो गया हूँ। हाइवा कहता है अगर तुम इन सबसे परेशान हो तो डायरेक्टली उनसे बात क्यों नहीं करते। ताकामी कहता है हाँ आई थिंक करनी चाहिए। फिर मीको से कहता है तुम काफी क्यूट हो, तुम्हें संभल कर घर जाना चाहिए। ये सुनकर हाइवा मीको से कहता है याद रखना तुम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हो। मीको तो उसे कहती है तुम मुझे लाइक नहीं करते हो क्योंकि तुम मुझसे तभी क्लोज होते हो जब मैं डिप्रेस रहती हूँ। इवन तुमने जानबूझकर मेरा फ्रेंडशिप ताकामी से करवाया ताकि मैं लोनली फील ना करूं। हाइवा कहता है मैं तुम दोनों को अक्सर अकेला देखता था लेकिन एज ए टीचर मैं तुम दोनों के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकता था इसलिए मैंने ऐसा किया। मीको कहती है तो क्या तुम्हें लगता है एक दिन जब तुम गायब हो जाओगे तो मैं ठीक रहूंगी। हाइवा कहता है क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? वैसे जब ताकामी तुम्हें क्यूट बोल रहा था तो तुम बड़ा स्माइल कर रही थी। मीको कहती है नहीं बस फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे ऐसा कहा